नमस्कार, मैं हूं राज पांडे। आप देख रहे हैं सीएन न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भिंड जिले के सगरा गांव में जब हमारे पत्रकार धर्मेंद्र ओझा एक अन्य सहयोगी पत्रकार प्रदीप सिंह राजावत के साथ सगरा गांव में एक अन्य खबर की कवरेज को लेकर गए, तभी विद्यालय पर नजर पड़ी तो उसमें ताला लटका था। उस समय 11:30 का था, जबकि विद्यालय खुलने का समय 10:30 होता है। जब विद्यालय परिसर में पहुंचे तो शासकीय माध्यमिक विद्यालय सगरा के बाहर छात्र खड़े थे। उनका कहना है कि विद्यालय 11:30 बजे के बाद ही रोज खुलता है। खबर कवरेज करने के बाद जैसे ही हम गांव के बाहर निकले, तभी अध्यापक राजबिहारी शर्मा ने रास्ता रोका। चिल्लाते हुए आए तभी हमारे सहयोगी पत्रकार ने कैमरा चालू कर लिया। ऑन कैमरा के सामने भी अध्यापक राजबिहारी शर्मा नहीं रुके, गालियां देते हुए धमकाते रहे। अध्यापक ने सरेआम पत्रकारों के ऊपर गुंडागर्दी दिखाते हुए दावा बनाने की कोशिश की कि कैमरा चौक छुड़ाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, खबर ना चलाने को लेकर दबाव भी बनाया जा रहा है। मामला भिंड जिले के सगरा गाँव के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का है। आज पत्रकारों को एक प्रधानाध्यापक द्वारा धमकाया गया, उस पर क्या कार्रवाई की है? अभी आपके द्वारा जो ज्ञात हुआ है और मैंने वीडियो भी देखा था जी, ये एक शिक्षक के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए ये अशोभनीय भाषा है जी। ये शिक्षक ही जब ऐसी भाषा बोलेगा तो क्या है फिर, हम बच्चों को क्या सिखाएं जी। तो इसके लिए आपके द्वारा आपका जो आवेदन मिला है जी, इसको मैं तत्काल कार्रवाई कर रहा हूँ और बीओ भिंड को ये मैंने जांच दी है। ये एक सप्ताह में जांच करके और मुझे जो है सौंपेंगे, उसके बाद में सख्त कार्रवाई करूँगा। जब वीडियो में साफ स्पष्ट दिख रहा है उसमें, और दिखाई दे रहा है और सुनाई भी पड़ रहा है कि पत्रकारिता में आपके पिछवाड़े में घुसूंगा, फिर भी आप उसकी जाँच? नहीं नहीं, केवल क्या वीडियो वीडियो पर कुछ डाउट है आपको? नहीं, डाउट नहीं है किसी प्रकार का, लेकिन तथ्यात्मक जांच आवश्यक है। क्या है, कोई भी कठोर कार्रवाई के लिए जांच आवश्यक हो, इसलिए क्या है, निलंबन कोई सजा नहीं है, न कोई समस्या का समाधान है, इसलिए मैं कठोर कार्रवाई करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने जांच किया। और रहे पल पल की खबर से हर पल बाखबर।